इसमें मैम लास्ट टाइम मैं डिटेल आर्गुमेंट कर गया था और मैं बेसिकली जा यही रहा था कि इसमें डिफेंडेंट की एविडेंस ना हो और डिसाइड कर दिया जाए, क्योंकि वो ऑनेस प्रूव नहीं कर सके थे। लास्ट डेट में ये हुआ कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाए हैं, वो डॉक्यूमेंट ना तो लिस्ट ऑफ रिलायंस में है और ना ही लॉ के मुताबिक वो विटनेसेस में आने चाहिए थे। मुझे लिस्ट दिखा दें, मैंने देखी है लिस्ट मैंने फोल्ड कर दी है ना, ये तीन फाइल्स हैं। मैं एविडेंस नहीं करवा रहा DW की, वो एविडेंस नहीं होगी तो इसे फाइनल उस पर ले जाया जाए, फाइनली इसको डिसाइड फरमा दिया जाए। अब मेरी हम्बल सबमिशन ये है, बेसिकली ऑनेस्ट था उन पर, उन्होंने प्रूव करना था कि वो मालिक और काबिज हैं, उन्होंने वो एडमिट कर गया विटनेस आके जी के नहीं जी जी एग्जैक्टली। अब उसमें इसकी हद तक यह है कि बाकी डॉक्यूमेंट ठीक हैं, मैं सिर्फ मेरी स्टेटमेंट में ये लिख दिया जाए यहाँ पे आज की डेट की प्रोसीडिंग में मेरी स्टेटमेंट एग्जिबिट P15 जो डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट ऑफ रिलायंस में शामिल नहीं है और गवाह के बयान में नहीं आया जी। ठीक है, नहीं मैं ठीक चले ठीक इसमें बस मुझे एक इशू ये है कि मैं लास्ट वीक भी आर्गुमेंट करके गया हूँ, मेरे आर्गुमेंट हो चुके हैं इस केस में, ऑनरेबल कोर्ट सुन चुकी हैं, मैंने सिर्फ आज मैंने सिर्फ स्टेटमेंट देनी है जी। नहीं उसकी मुझे तो जब ऑनरेबल कोर्ट बुलाएंगी, मैं इससे पहले भी एक एप्लीकेशन में 10 दफ़ा आर्ग्यू कर चुका हूँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ माशाल्लाह मुझे ट्रस्ट है ऑनरेबल कोर्ट पर, माशाल्लाह प्रोसीडिंग पे जी जी। क्योंकि उसमें अदरवाइज सलूशन ये आना है कि मैंने एप्लीकेशन देनी है, फिर उस पर टाइम ज़ाया होना है उनके कोर्ट का, वो उसके बाद वो प्रोसीडिंग चलनी है। अच्छा नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी और फोरम पे देनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन देनी है, जवाब आना है, फिर इस पर वो लिंगर ऑन वो तो चाहिए रहे, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि मेरा मैटर क्योंकि बड़ा वो सिंपल सा है कि उसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं, इससे आगे केस प्रोसीड ही नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ इस बेस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड फरमा ली जाए, इसको लीगली इन डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे, मैं लीगली असिस्ट कर देता हूँ ऑनरेबल कोर्ट को, इवन कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट भी हो जाए उस सूरत में भी ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर करते वक्त जजमेंट पास करते वक्त उसकी रेलिवेंस देखना होती है कि रेलिवेंस क्या है। मैं इसकी रेलिवेंस पे आर्गुमेंट अगर ऑनरेबल कोर्ट अलाउ करें मुझे 5 से 10 मिनट आज, तो मैं सिर्फ आके कंक्लूड कर जाऊँगा, आर्गुमेंट तो हो जाएगी इसमें मेरी हद तक हो जाएगा, उन्होंने फिर एक दो डेट्स लेनी है, फिर ज़रूरत पड़ी फिर मैं आ जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है नहीं। वो CW थे, वो CW थे, उस उन पे क्रॉस हो गई है, मैं डिफेंडेंट नंबर 1 की तरफ से हूँ, मैं डिफेंडेंट नंबर 2 की तरफ से हूँ, इसमें डिफेंडेंट नंबर 1 एक्स पार्टी हो चुका है इम्तियाज, डिफेंडेंट नंबर 2 की तरफ से हूँ जी जी। डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो चुके थे, बाद में आया था वो तो हमारे ट्रस्ट का रिश्ता है, मैं कोई इशू नहीं, मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख देना जीरो इतराज का जी जी, मैं यही कह रहा हूँ ज़ेर एतराज़ में स्पेसिफिक वो होता है ना, बेसिकली तो ये है कि सिर्फ मेयर ऑब्जेक्शन इज़ नो ऑब्जेक्शन, ज़ेर एतराज़ में जो मैंने ज़ेर एतराज़ करना है वो ये करना है कि क्योंकि लिस्ट ऑफ रिलायंस में भी शामिल नहीं और गवाह की स्टेटमेंट में नहीं हो तो वकील की डॉक्यूमेंट, बस ये करके आगे चले जी, बस मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी पर अगर सिर्फ ये कर दिया जाए कि एग्जिबिट P15 इसी के अंदर लिखा जाए, बिल्कुल
नहीं, इसमें मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, लिस्ट चलें जी, मैं मुझे उसकी हद तक मुकदमात की हद तक तो इशू नहीं है, मैं नहीं करता ऑब्जेक्शन जी, बहुत सारे उठा रहे ऐसे, लेकिन चलें उसकी तरफ भी हम, मैं इसका हल चाह रहा हूँ जी जी, इसके एंड पे आ जाए कोई जी जी जी, बस ठीक बस ठीक ठीक, बाकी इससे थोड़ा सा अब इस प्रोसीडिंग से आगे चले जाते हैं जी मैम, ठीक है जी जी, नहीं होती जी मैम, ठीक है सही, लाइसेंस मालूम है सो गया मुझे कुछ मैम, छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वो सिविल नागरिक ने चेक तैयार किया हुआ था।